उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडोड़ी भूषण ने विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया है। समग्र शिक्षा अभियान और SCERT के संयुक्त तत्वावधान में महोत्सव आयोजित किया गया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने छात्र छात्राओं के बनाए गए मॉडल का भी निरीक्षण किया है, साथ ही बच्चों का हौसला बढ़ाया और उनका उत्साह वर्धन किया है। कोट द्वार के आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित विज्ञान महोत्सव के तहत विज्ञान ड्रामा मेला और प्रदर्शनी लगाए गए थे। छात्र छात्राओं ने नाटकों और पोस्टरों के जरिए प्रस्तुतियां देकर विज्ञान की जानकारियां दी हैं और इस एक दिवसीय महोत्सव में पौड़ी के 15 विकास खंडों के 800 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। विज्ञान महोत्सव का मकसद बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। महोत्सव में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है, जिसमें प्रत्येक दिन नवाचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ रहा है और लगातार प्रगति कर रहा है। दुनिया में अग्रणी देश बनने की ओर भारत है। आगे उन्होंने कहा कि विज्ञान भारत की संस्कृति में है। पौड़ी से राजेंद्र खंतबाल की रिपोर्ट। ये तो ऐसा ही है, कमजोर बच्चे आज अगर यहाँ पे नृत्य हो रहे हैं, आई एम होपिंग कि उन्हीं 10 बच्चों को बार बार टीचर्स ना यूज करें। हमें उस बच्चे को भी यूज करना चाहिए जो सबसे क्लास में पीछे बैठा है लेकिन हाथ खड़ा करने से डरता है, उसको हिम्मत नहीं है। उसको जिस दिन आप आगे लाएंगे तब आपकी काबिलियत मानी जाएगी। अगर आप 35% को 55% करती हैं तब आप पास में 90% को 100 कर देती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो शिक्षा, जो सोच, जो नई चीजें आ रही है उसको हमें डेवलप करना है। जहां तक विज्ञान की बात है, देखिए आज पर्यावरण में हमें विज्ञान चाहिए। जो आपके टॉपिक्स हैं मैं देख रही थी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।